अलवर में दिवाली की रात चूड़ी मार्केट में हुए अग्निकांड में करीब एक दर्जन दुकान जलकर खाक हो गई थी, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ। श्रम मंत्री टीकाराम जूली पीड़ित दुकानदारों से मिले और सरकार से यथासंभव प्रयास दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं अलवर सांसद बाबा बालकनाथ भी चूड़ी मार्केट पहुंचे और पीड़ित सभी दुकानदारों को निजी कोष से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की। साथ ही सरकार सहित अन्य भामाशाहों व आम जन से भी त्रासदी में पीड़ित दुकानदारों की सहायता किए जाने की लोगों से अपील की। दिवाली की रात को जो कि अलवर की चूड़ी मार्केट बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट है पूरे राजस्थान में, वहाँ पर जो अग्नि जो आग लगी उसकी जो दुर्घटना हुई है, मैंने आज जाकर देखा। हमारे विधायक जी भी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, पूरी पार्टी के लोग हमारे साथ में थे और उस दिन से लगातार इस घटना के क्रम में हम लगातार जानकारी प्राप्त भी कर रहे थे और हमारी पार्टी और हमारे विधायक जी ने उस दिन घटना के दिन भी वहाँ पर जाकर इस आग को बुझाने में पूरा सहयोग प्रदान किया। लेकिन आज मैंने जब वहाँ जाकर देखा और जहाँ पर उनकी आंखों से जो हमारे व्यापारी भाइयों का नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वो दुखी थे, व्यथित थे और उनको अभी तक सरकार की ओर से कोई भी आर्थिक सहयोग की घोषणा नहीं हुई है और ऐसे दुर्घटना में, ऐसी घटना के अंदर तुरंत प्रभाव से कोई आर्थिक सहयोग की घटना, आर्थिक सहयोग की कोई घोषणा होती तो उस व्यक्ति को संबल मिलता है। इसलिए मैंने आकर ये विचार देखा, मैंने महसूस किया कि क्यों ना मैं पहले इसकी शुरुआत करते हुए और मैं इनको आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करूं। तो मैंने, मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा और मैंने उस बात को आप सबके बीच में रखते हुए कहा कि जो भी इसमें हमारे व्यापारियों का नुकसान हुआ है, मैं मेरी ओर से, अपने निजी ओर से उनको 50,000 रुपये तुरंत प्रभाव से उनको आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का मैंने घोषणा की है। साथ में इसका मेरा एक उद्देश्य है कि मेरे माध्यम, मेरी शुरुआत के माध्यम से और लोग भी इसके, इस घटना को देखते हुए उन लोगों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करें। साथ ही सरकार भी इसको तुरंत प्रभाव से लेते हुए, क्योंकि उनको सबसे बड़ी इस समय अगर कोई रिलीफ है तो आर्थिक रूप से उनका सहयोग है, क्योंकि आर्थिक उनका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए मैंने 50,000 रुपये अपने निजी कोष से उनको व्यापारियों को देने का मैंने संकल्प लिया है। और जो भी भाई बंधु इसके अंदर उनका नुकसान हुआ तो मेरा छोटा सा सहयोग उनके लिए। वहीं श्रम मंत्री टीकाराम जूली के पहुंचने पर दुकानदार अपने आंसू नहीं रोक पाए, इस पर मंत्री ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और सरकार से सहयोग का पूरा आश्वासन दिया। मैं तो 3 दिन से मेरे से सहन नहीं हो रहा, नहीं जुगाड़ होगा, मदद मिलेगी आपको, हिम्मत करेंगे, मदद कराएंगे, आप निश्चित बहुत मेहनत कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिवाली की रात करीब 7 बजे चूड़ी मार्केट में बने अग्रवाल कॉम्प्लेक्स में अचानक एक दुकान में आग लग गई थी। आग ने कुछ ही देर में भयानक रूप ले लिया और देखते ही देखते इस कॉम्प्लेक्स की करीब एक दर्जन से ज्यादा दुकानों को आग की लपेट में ले लिया। इस कॉम्प्लेक्स में अधिकांश सूट, साड़ी और रेडीमेड की दुकानें हैं। इस दौरान फायर ब्रिगेड के करीब एक दर्जन गाड़ियों ने दूसरे दिन तक आग पर जाकर काबू पाया।